अरे लाला, जेका बाल बढ़ा लियो बे, है लड़की बनोगे क्या? एक काम करो, तुम हाथों में चूड़िया पहन लो, साड़ी जो है हमारे तरफ से गिफ्ट में ले लेना, घर में बढ़ के यूं यूं करना। फिर घुसे रहो चूल्हे, खाना बनाना सीखो, खाना बनाना सीखो, झाड़ू पोछा करना सीखो, सिलाई बुनाई सीखो, फिर आएंगी महारानी, सेवा कराएंगी तुमसे। मर्द बने हैं। क्या हो गया, क्यों रो रहा है? अरे यार, पहले तो तू लड़की तरह रोना बंद कर, फिर बात करना मेरे साथ। एक आदमी से कॉन्फिडेंट या एग्रेसिव होने की उम्मीद की जाती है। हमारे समाज के हिसाब से वो इमोशनल या सेंसिटिव नहीं हो सकता। परिवार के सारे जरूरी फैसले लेना आदमियों की ही जिम्मेदारी है। आदमियों को घर के फाइनेंशियल और सोशल एस्पेक्ट को संभालना आना चाहिए। बच्चों की देखभाल और बाकी घरेलू कामकाज तो औरतों का काम है। ऐसी ही न जाने कितनी और धारणाएं बनी हुई हैं, जो कि यह निर्धारित करती है कि हमारे समाज में पुरुषों और महिलाओं की क्या भूमिका होनी चाहिए। ये धारणाएं केवल व्यवहार और सोच तक ही सीमित नहीं है, हमने तो लोगों के सामाजिक दायित्व को भी जेंडर के हिसाब से बांट दिया है। आदमियों से एक इंजीनियर, किसी कंपनी का CEO या पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जैसे सामाजिक किरदारों को निभाने की उम्मीद की जाती है, जबकि कुछ ऐसे पेशे जिसमें पोलाइट, ग्राउंडेड या केयरिंग पर्सनैलिटी की जरूरत हो तो उनको औरतों से जोड़ा जाता है। ये स्टीरियोटाइप्स समाज के मेंटल बिल्डअप को भी नुकसान पहुंचाते हैं। एक आदर्श आदमी को कैसे दिखना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए और कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसका एक पहले से निश्चित तरीका है। इस तरीके से हटना एक कमजोरी समझा जाता है। पुरुषों से कॉन्फिडेंट और इमोशनली स्ट्रांग होने की उम्मीद होती है, जबकि कैजुअल और वेलकमिंग नेचर को स्त्रियों से जोड़ा जाता है। ये अपेक्षाएं पुरुषों पर अपनी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनाने का अनचाहा भार डालती हैं और उन्हें ऐसी मानसिक और व्यवहारिक समस्याओं का शिकार बना देती है, जो कि उनके आसपास वालों को भी नुकसान पहुंचाती है। अपने अपेक्षाओं के दबाव में पुरुष अपने समस्याओं और उलझनों को जाहिर करने से हिचकिचाते हैं। पुरुषों में डिप्रेशन की दर महिलाओं के मुकाबले 8% कम है, पर उनमें सुसाइड रेट महिलाओं के मुकाबले 3 गुना ज्यादा है। ये फैक्ट काफी सरप्राइजिंग भी है। ऐसा शायद इसलिए होता है क्योंकि पुरुषों पर बचपन से ही सेल्फ डिपेंडेंट होने का दबाव डाला जाता है। उन्हें ये सिखाया जाता है कि रोना या अपने इमोशन शो करना एक कमजोरी की निशानी है। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल की एक रिपोर्ट इसे स्पष्ट भी करती है। इस रिपोर्ट के हिसाब से पुरुषों का केयर कंसल्टेशन रेट महिलाओं के मुकाबले 38% कम है, यानी कि वे डॉक्टर और हेल्थ कंसल्टेंट से भी अपनी समस्याएं साझा करने से हिचकिचाते हैं। पर ये स्टीरियोटाइप्स बनाता कौन है और मेंस डे से इसका क्या रिलेशन है और पुरुषों को एम्पावरमेंट की क्या जरूरत है? 1992 में ट्रिनिडाड एंड टोबैको से शुरू हुआ ये ट्रेंड आज दुनिया भर के 44 देशों में इन्हीं स्टीरियोटाइप से लड़ने के लिए मेंस डे के रूप में मनाया जाता है। पत्रिकाएं, टीवी, फिल्म और इंटरनेट निगेटिव जेंडर स्टीरियोटाइप से भरे हुए हैं। ये हमारे तौर तरीकों और सामाजिक व्यवहार का एक अटूट हिस्सा बन गए हैं। कई बार ये स्टीरियोटाइप्स हमें तब तक नहीं दिखाई देते जब तक कि कोई इन्हें पॉइंट आउट न करे। इनके बारे में अपने दोस्तों से और अपने परिवार वालों से बात करना और इन्हें मिटाने की कोशिश करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। किसी की भी जेंडर आइडेंटिटी की परवाह किए बिना लोगों का सम्मान करें। लोगों को उनके अपीयरेंस, जेंडर और अन्य किसी भी पैमानों के आधार पर जज ना करें। समाज की कुरीतियों और अपेक्षाओं की परवाह किए बिना लोगों को अपने आप को और अपने वास्तविक गुणों को व्यक्त करने के लिए एक सुरक्षित समाज बनाएं। यदि कोई सेक्सिस्ट जोक या कमेंट कर रहा है, चाहे वो ऑनलाइन हो या व्यक्तिगत रूप में, तो निश्चित रूप से आप उसका विरोध करें। यदि आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो सामान्य रूप से आपके जेंडर से नहीं जुड़ा है, तो इस बारे में सोचें
कि क्या ऐसा करना आपके या आपसे जुड़े लोगों के लिए सुरक्षित होगा। इन कुरुतियों को तोड़ने का आपका एक प्रयास लोगों के लिए एक अच्छा उदाहरण बनेगा। इस तरह की जागरूकता की पहल करना इसलिए जरूरी नहीं है कि पुरुषों को सशक्तिकरण की जरूरत है, बल्कि यह एक ऐसा वातावरण बनाने के लिए है जो कि समाज के स्टीरियोटाइप्स को किसी भी जेंडर को प्रभावित करने से रोके। पुरुषों के प्रति समाज की स्वस्थ मानसिकता दूसरे जेंडर्स के एम्पावरमेंट में भी एक अहम भूमिका निभाएगी।